Funtush TV channel presents Sarah's Kitchen. Pakistani cuisine and Indian cuisine recipes by Sarah Khan. Assalamu alaikum, main hu Sarah Khan. Umeed karti hu aap sab khairiyat se honge. Aaj main aapke liye frozen pudine ki chutney ki recipe lekar aayi hu. Iske liye hame do hi cheezon ki zarurat hai. Pudina aur hari mirchein. Ye aapki apni marzi hai, aap jitna bhi pudina istemal karna chahe. अगर आपने ये तीन कप, मैंने तीन कप पुदीना लिए है, उसके लिए मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं। इसी तरह आप मिकदार कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। हैंड ब्लेंडर से मैं ये चटनी बनाऊंगी। आप चाहें तो ब्लेंडर जिससे भी बनाना चाहें, जग में भी बना सकते हैं। अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, सारा पुदीना सारी हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। हमें स्टार्ट कर रहे हैं और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूंगी। अच्छी तरह आपने ये चीजें जो है ब्लेंड कर लेनी है। अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है। आपके पास हैंडी चॉपर नहीं है तो आप इसे जग में भी कर सकते हैं, ब्लेंडर जो जग होता है उसमें भी तैयार कर सकते हैं, जो भी आपके पास ऐसी मशीन है जो पीस दे आपकी सब्जी को। तो अब मैं बताती हूँ इसे हमने फ्रीज किस तरह करना है। जब चटनी तैयार हो जाए तो इसे एक दफा फिर आप चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि जो पानी है ये ना हो कि चटनी नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर रहे। इसके बाद आपने आइस क्यूब, जिसमें हम आइस क्यूब बनाते हैं, आप वो ले लें सांचा, और ये इस तरीके से आप जो चटनी है इस सांचे में डालते जाएं। इसी तरीके से मैं तमाम जो है ये क्यूब्स में ये चटनी डाल दूंगी। जी व्यूज, ये देखें मैंने इन दोनों सांचों में जो है चटनी जो तैयार की थी वो मैंने भर दी है। थोड़ी सी चटनी इधर उधर डालते हुए जरूर लग जाती है क्योंकि ये पानी भी होता है इसमें, कहीं से थिक भी होती है। साथ साथ आप चम्मच से मिक्स करके इस तरह सांचों में डाल दें। इसका फायदा आपको ये होगा कि जब आप ये सांचे जब ये अच्छी तरह जम जाएंगे, इन्हें हम निकाल के जिपर्स में डालेंगे या किसी बॉक्सेस में, जब भी आप ये चटनी तैयार करेंगे दही में तो ये बिल्कुल ग्रीन होगी, ये काली नहीं पड़ेगी। और अगर आप दही के बगैर इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसमें नींबू निचोड़ दें और अपना हस्बे जरूरत इसमें नमक और मिर्च शामिल कर दें। मिर्च चाहे तो ना भी डालेंगे, हरी मिर्च तो हमने डाली हुई है। और दही में जब शामिल करें तो आपकी मर्जी, आप जीरा पाउडर डालना चाहें, नमक तो लाजमी इसमें डालेंगे। नमक हमने अभी इसमें शामिल नहीं किया, ये सिर्फ पुदीना और हरी मिर्चें हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो एक क्यूब तैयार होगी वो आपका एक पाव जो दही है उसके लिए ये काफी होती है, लेकिन अगर आप तेज चटनी पसंद करते हैं तो आप एक पाव दही में 2 क्यूब भी डाल सकते हैं। जी व्यूअर्स, चटनी जो है अच्छे तरीके से फ्रीज हो गई है। अब आपने एक ट्रे लेकर खाली उसमें ये सारी चटनी जो है आपने निकाल लेनी है। अच्छा, अब देखें इस तरह का कोई भी आप खाली कंटेनर ले लें, उसमें जो है ये तमाम आप जो क्यूब्स हैं इनको डाल दें। इनको देखें अब फ्रीजर में आप बहुत इजीली इनको रख सकते हैं। जितनी भी आपको चटनी बनानी है उस हिसाब से आप जो है वो क्यूब निकाल के उसमें डाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पाव दही में जो है आप एक क्यूब डालेंगे, लेकिन अगर आप तेज चटनी खाते हैं तो आप उसमें फिर 2 क्यूब डाल देंगे। इस तरीके से आपने ये सारी जो है वो डाल देनी है एक कंटेनर में और उसे आपने बंद करके फ्रीजर में रख देना है। तो देखिए ये कितनी आसान ये रेसिपी है, ये कितनी आपकी चटनी जो है आराम से एक ही दफा में तैयार हो गई है और ये काफी दफा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 महीने ये चटनी खराब नहीं होगी। और जब आपने इसको कवर जरूर करना है, कवर इसलिए करना है कि अगर आप इसे कवर नहीं करेंगे तो जब आप चटनी बनाएंगे तो वो टेस्ट तो उसका ठीक होगा लेकिन उसका कलर बहुत डार्क सा ब्लैक सा आएगा, लेकिन जब आप इसे कवर करके रखेंगे तो ये आपकी दही में जाने के बाद ग्रीन चटनी ही तैयार होगी, बहुत अच्छा कलर आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। एक पाव दही ले लिए, अब इसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च, ये अपने टेस्ट पे है कि आप कितनी काली मिर्च नमक पसंद करते हैं। और देखें ये जो मैंने आपको बताया था कंटेनर में, ये अगर आप
कम तेज चटनी पसंद करते हैं तो एक क्यूब डालें। मेरे घर में थोड़ी तेज पसंद की जाती है तो मैं दो क्यूब्स डाल रही हूँ। अभी मैं इसे मिक्स नहीं करूंगी, इसे मैं छोड़ दूंगी, ये 5 से 10 मिनट में मेल्ट होके खुद ही से मिक्स हो जाएगी। तो फिर उसके बाद ये देखें जो मैंने क्यूब्स डाले थे मेल्ट हो गए हैं। अब अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर लें चटनी को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर चाहें तो ये नींबू भी बगैर दही के आप इस चटनी को मेल्ट करके इसमें आप नींबू निचोड़ दें और थोड़ा सा नमक मिर्च डाल दें तो भी आपकी बहुत अच्छी चटनी बन जाएगी। ये देखें कितना इजीली जो है ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने हम आराम से चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बनी है तो आप 3 से 4 महीने भी इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फ्रोजन चटनी से कितनी आसानी से हम चटनी तैयार कर सकते हैं, ये साथ में आपको क्यूब्स भी दिखा रही हूँ जिन क्यूब्स के साथ मैंने वो चटनी तैयार की है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसे लाइक भी करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।